हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस पार्ट में हम लोग एक्जियम चार्जर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला चार्जर एक्जियम ही है और सबसे ज़्यादा रिपेयर होने के लिए वही चार्जर आता है। तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं और ये पॉसिबल होगा आपसे, यानी कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो पर किसी तरह से आप 500 लाइक्स लेके आइए और मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो। अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टिप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्सियम चार्जर को कैसे रिपेयर करना है। और आपको मैं एक अपडेट देना चाहता हूं कि हम लोग अपने चैनल पे कुछ नया करने जा रहे हैं। जैसे वीकली हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक वीडियो डीआईवाई प्रोजेक्ट के ऊपर आए, एक वीडियो रिपेयर के ऊपर आए और एक वीडियो हम लोग कोई भी ट्यूटोरियल सेशन चलाएंगे जिसमें हम लोग ये सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर या बहुत सारा ऐसा टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है आपके थ्रू। अगर आप मुझे ऐसा मोटिवेट करते हो तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस दूंगा जो आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां पे एक एक्सियम चार्जर रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो कि ये एक एक्सियम चार्जर ही है और आज हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं और ये वीडियो बैक टू बैक आएगा, यानी एक वीडियो अभी होगा और एक वीडियो एक दिन के बाद होगा। इसमें हम लोग दो चार्जर को रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्जर को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उसे विजुअली इंस्पेक्ट करना होगा। जैसा कि आपको मैं हर बार बताता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपके पास में आता है तो सबसे पहले आप उसे विजुअली देखिए। आप देखिए कि उसके अंदर ऐसा कोई सामान तो नहीं है जो फटा हुआ है, कटा हुआ है या जला हुआ है, या फिर कोई वायर टूटा हुआ है, या फिर पीसीबी के नीचे कोई ट्रेस ड्राई शोल्डर हो गया है या फिर वो ट्रेस फट गया है। तो आप इन सभी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले देखिए। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको दिखता है तो उसे फिक्स कीजिए। ज़्यादातर जो चार्जर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यानी 80% जो चार्जर्स हैं वो जले हुए ही रहते हैं, उसके कुछ सामान जला हुआ रहता है और उसे आप रिप्लेस करते हो सीरीज बल्ब पे, जैसे ही लगाते हो चार्जर ऑन हो जाता है, यानी ज़्यादातर चार्जर्स बिल्कुल आपका ऑन हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप आगे वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। इस वाले चार्जर में आप लोग देख सकते हो कि ये पहले ही रिपेयर हो चुका है। इसके अंदर जो फ्यूज़ लगा है वो फट चुका है और फ्यूज़ को यहाँ पे बाईपास किया गया है एक वायर के हेल्प से। तो बाईपास करने से आप देख सकते हो कि जो फ्यूज़ है वो तो बाईपास हो गया, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि जो पीसीबी का ट्रेस था वो फट गया, क्योंकि ये चार्जर ओवरलोड हो गया जिसके वजह से पीसीबी के ट्रेस पे सारा स्ट्रेस आ गया और ट्रेस जहाँ पे सबसे कमज़ोर था वो उस जगह पे फट गया है। तो सबसे पहले हमें इसे फिक्स करना है, यहाँ पे एक वायर को लगाना होगा और सीरीज बल्ब पे टेस्ट करना होगा अगर ये चार्जर ऑन होता है। अगर नहीं भी होगा तो फिर हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे कि कैसे इसे ठीक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर जैसे ही आप बाईपास करते हो तो मेन फिल्टरिंग कैपेसिटर के पास में हमें वोल्टेज चेक करना है। अगर वो वोल्ट बिल्कुल जीरो रहता है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉस्फेट में फॉल्ट है, मॉस्फेट को हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे सीरीज बल्ब पे लगाएंगे। अभी जो फ्यूज है उसको हमने बाईपास कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रेस फटा हुआ था वहाँ पे हमने एक वायर लगाया और जैसे ही हमने चार्जर को ऑन किया तो आप देख सकते हो कि चार्जर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में है और हमारा बल्ब काफ़ी ब्राइटली ग्लो कर रहा है। यहाँ पे बल्ब को डिम हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो कैपेसिटर के अंदर कोई फॉल्ट है या फिर ब्रिज रेक्टिफायर या मॉस्फेट में। तो सबसे पहले हम लोग मॉस्फेट को निकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मॉस्फेट के अंदर कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, मॉस्फेट खराब होगा तो उसे रिप्लेस कर देंगे। मॉस्फेट को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें कैपेसिटर को निकालना होगा, तभी हम लोग मॉस्फेट को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर को निकाल दिया है और अब हम लोग मॉस्फेट को निकाल के उसको टेस्ट करेंगे और न्यू मॉस्फेट को उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। मॉस्फेट को लगाने टाइम में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी मॉस्फेट आप लगाओ वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा फेक मॉस्फेट आ गया है। इसके अंदर जो मॉस्फेट लगा हुआ था वो है 48N60 जो कि 48A 600V का है, लेकिन इसके अंदर हम लोग 24N60 लगाने वाले हैं, यानी 24A 600V का। तो देखते हैं कि ये सक्सेस होता है कि नहीं। अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो एक पोस्ट के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि आप ये वाला मॉस्फेट लगा सकते हो। हमारे पास 24N60 मॉस्फेट ही अवेलेबल था जो कि ओरिजिनल है, ये
किसी पार्ट से स्क्रैप किया हुआ है, स्क्रैप वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग इसका यूज इसके अंदर करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या ये चार्जर ऑन हो पाता है। तो जैसे ही हमने अभी मेंस सप्लाई दिया तो आप देख सकते हो कि जो मेंस वाला एलईडी बल्ब है वो जलने लगा है। इसका मतलब मेंस वाला सेक्शन बिल्कुल ठीक है, ये ऑन हो गया है। अभी आप देखोगे कि चार्जर ऑन नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि चार्जर तभी ऑन होगा जब कोई एक्सटर्नल बैटरी इसके साथ कनेक्ट होगा, यानी कि 48 वोल्ट का एक बैटरी इसके साथ कनेक्ट करना होगा। मेरे पास में जो पावर सप्लाई है वो मैक्सिमम 24 वोल्ट दे सकता है, तो इसके साथ एडिशनल 24 वोल्ट वाला एक सप्लाई को मैं सीरीज में यूज़ कर रहा हूँ, यानी हमारा अप्रोक्सीमेट जो वोल्टेज है वो 48 वोल्ट या 49 वोल्ट हो जाता है। यानी अभी हम लोग इस चार्जर को ये सप्लाई दे के इसको ऑन कर सकते हैं। एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करते ही हमारा चार्जर ऑन हो जाता है और चार्जिंग ऑन वाला एलईडी बल्ब भी जलने लगता है। कुछ सेकंड अगर हम लोग छोड़ दें तो आप देखोगे कि बाकी सभी एलईडीज भी ब्लिंक करने लग जाता है। ब्लिंकिंग का मतलब है कि ये बैटरी को डिटेक्ट कर चुका है लेकिन ये बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है। रीज़न ये है कि हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था, हमने बस वोल्टेज सेंस करवाया। इससे आप देखोगे कि हमारा फ़ैन भी टर्न ऑन हो रहा है लेकिन वो वापस ऑफ स्टेट में चला जाता है। अभी हम लोग इसको जैसे ही बैटरी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो ये चार्जर बिल्कुल ऑन हो जाएगा और नॉर्मली जैसे काम करता है वैसे करने लग जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो कोई भी नया वीडियो मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उसको देख पाओगे। और मेरा जो 500 लाइक्स का जो टारगेट है उसको प्लीज़ आप अचीव करवाइए, इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसा बहुत सारा वीडियोज़ डालूंगा और एक्सियम चार्जर के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग ब्लॉक डायग्राम या सर्किट डायग्राम से फॉल्ट को फाइंड करने का टेक्निक सीखेंगे और भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।